गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला कराची से अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की मसाजिद से ऐलानात होने लगे हैं। समा से खुसूसी गुफ्तगु में कमिश्नर कराची ने बताया कि 1.25 लाख अफगान बाशिंदे अब भी कराची में मौजूद जिन्हें 1 नवंबर के बाद नहीं रहने देंगे। मजीद जानेंगे मुनस अहमद से। मुनस आगाह कीजिए। देखिए हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक जो अस खुद गैर मुल्की तारकीन को जाने की डेडलाइन दी थी वो अब इख्तिताम पर है और उसके बाद अब कराची की जो इंतजामिया है उन्होंने अपनी हिकमत अमली फाइनल कर ली है। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने समा से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि 1 नवंबर से जो अफगान बस्ती और दीगर मुतल्लिका इदारे हैं जहाँ पे गैर कानूनी तौर पे तारकीन वतन आबाद हैं उनको निकालने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जो होल्डिंग पॉइंट है कराची में हाजी कैंप वहाँ पे लाया जाएगा और 5 से 6 जो बसों का काफिला है उसके थ्रू रवाना किया जाएगा। उनका ये कहना था कि जैकबाबाद से बरास्ता चमन बॉर्डर पर उनको हवाले किया जाएगा सिक्योरिटी हुकाम के और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी भी जो ठीक है मोनेस अफगान बस्तियों और दीगर इलाकों की मसाजिद से ऐलानात भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप में आगाह कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को हिदायत जारी की है कि वो 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं। जो कोई भी शख्स इस ऐलान पर अमल दरामद नहीं करेगा तो 1 नवंबर के बाद इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस किसी को भी इस जमन में हुकूमत पाकिस्तान की मदद दरकार है वो मुतलका थाने के SHO गुलशन इकबाल से रजू करें।